अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा खान। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ओमिक्रॉन, जो पाकिस्तान के साथ साथ कराची में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। किन इलाकों में ये फैल रहा है इस बारे में भी, और किस तरह इससे बचाव करना चाहिए इस बारे में बात करेंगे, और इसके बूस्टर डोज के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि ओमिक्रॉन आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कराची में स्पेशली, तो इससे इसकी क्या वजूहत हैं, क्या हम कहाँ कोताही कर रहे हैं, क्या हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे? देखें, इसमें NCOC ने जो चीज़ें बताई हैं वो तो मैं आपके सामने रखूंगा ही, लेकिन जो अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं, जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं कराची के हवाले से, वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और ख़तरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई बईद नहीं है कि कराची में लॉकडाउन भी लगने वाला है, और इस हवाले से सेंट गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है, और किसी भी लम्हे कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा, और इब्तिदा में हो सकता है ये स्मार्ट लॉकडाउन हो, क्योंकि अभी कराची के अंदर NCOC की जानिब से जो आदाद व शुमार बताए जा रहे हैं उसमें 8.5% तक ओमिक्रॉन फैल चुका है। तो अब ये सिलसिला अगर इसी स्पीड से जारी रहा तो ये एकदम फिगर डबल हो जाएगा, और अगर 10 कोई क्रॉस करेगा तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन नहीं बल्कि प्रॉपर लॉकडाउन उन इलाकों में लगा दिया जाएगा जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फैल रहा है। तो कराची का जो इलाका गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 है वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुआ है, क्योंकि एक दिन में वहाँ से 22 केसेस हुए हैं, और 22 केसेस का मतलब यह है कि अगर ये किसी एक फ़र्द को लगा है तो आप समझें कि एक से ये 40-50 लोगों तक ये मुंतकिल हो चुका होगा। तो अब इसके अंदर 22 केसेस का मतलब ये है कि हमारे पास अभी मज़ीद जो कराची से ओमिक्रॉन के केसेस आने वाले हैं, हम एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ गुलशन के इलाके से ही 400 अफराद के केसेस आने वाले हैं। तो अगेन एक्सपो सेंटर का आइसोलेशन पूरा वार्ड जो है या फिर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, और ऑलरेडी वो एक्टिव है लेकिन दोबारा से वही सिलसिले शुरू हो जाएंगे। और गुलशन इकबाल के इलाके में इसका फैलना ये जाहिर कर रहा है कि जो फूड स्ट्रीट है उधर भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा अगेन, फिर पहले 10 बजे 8 बजे तक बंद किया जाएगा या आउटडोर अलाउ किया जाएगा, और अगर इसी की स्पीड जारी रही तो कम्प्लीट लॉकडाउन की तरफ भी जाया जा सकता है। जैसे इसे कोरोना वायरस का फिफ्थ वेव बोल रहे हैं ओमिक्रॉन को, तो क्या सिम्टम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं? देखिए, इसके जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन जो हमने एक दफ़ा लास्ट प्रोग्राम में भी इस पर डिस्कशन की है उसमें निदा ने वो प्रोग्राम होस्ट किया था, और उसमें उनको मैंने बताया था कि इसके सिम्टम्स में कुछ एडवांसमेंट आ चुकी है, और वो एडवांसमेंट ये आ चुकी है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है वायरस बहुत स्पीडली। यानी आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इसको ना मास्क रोक सकता है, ना वैक्सीनेशन इसमें कारआमद है, और ये लगना ही लगना है अगर किसी फर्द को है तो। इसमें अगर कोई चीज़ रोक सकती है, इंसान को बचा सकती है, तो वो उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत है। हाँ, एहतियात फिर भी लाजमी है कि एहतियात ज़रूरी है, इसमें टेस्ट कराना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि बूस्टर से जो है वो बच जाएगा तो बूस्टर से वो बचेगा नहीं। अलबत्ता ये है कि अगर दूसरे लोगों को जल्दी इफ़ेक्ट कर रहा है ओमिक्रॉन तो हो सकता है उसको बहुत देर से इफ़ेक्ट हो, और हो सकता है कि उस वक्त तक जो है वो बच जाए जिस वक्त तक ये पूरी वेव चल रही है। तो वेव तो ये अभी लगभग फेब तक चलेगी, क्योंकि ये ही इसका पीक पीरियड है जो पहले से बताया गया है कि जनवरी टू मार्च, यानी पूरा फेब का महीना, जनवरी के ये डेज और मार्च के इब्तदाई 15 दिन, तो लगभग ये 50 से 60 दिन का इसका पूरा एक पीरियड है वेव का जो अपने पीक पे अब पहुंचना शुरू हो गया है। जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन लग सकता है, तो उस स्मार्ट लॉकडाउन लगने से मतलब इसमें कुछ कमी आएगी? आप स्मार्ट लॉकडाउन में देखें, अभी तक जो इसके सिम्टम्स देखे गए हैं उसमें यही देखा गया है कि अगर कोई भी शख्स या लोग जिनमें एक शख्स भी अगर इफेक्टेड है इस वायरस का और वो ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो खुली जगह नहीं है, यानी ओपन एयर नहीं है, तो उसमें जो है ये कभी इम्कान है कि वो ओमिक्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। यानी ये जो लोग बातें कर रहे हैं, हम जैसे इतने फासले से बात कर रहे हैं, और अगर दो लोगों के दरमियान जो पहले डिस्टेंस रखा जा रहा था 6 फीट का, मैं कह रहा हूँ अगर 10 फीट का भी डिस्टेंस हो, 12 फीट का भी डिस्टेंस हो, तो भी ये वायरस लग सकता है, क्योंकि ये इतने छोटे पार्टिकल्स के अंदर मौजूद है, यानी ये सांस के ज़रिए रिलीज़ हो रहा है कि अगर कोई शख्स इफेक्टेड है, अब सांस तो लेगा ना, तो सांस के ज़रिए ये रिलीज़ हो रहा है, फिर आप उसका हाथ भी टच होगा, फिर जहाँ जहाँ वो हाथ लगाएगा तो ये फैलेगा। तो
तो किसी भी सूरत आप मास्क से, सैनिटाइजर से, फेस शील्ड से बच नहीं पाएंगे। यानी पूरी पूरी पीपीटी भी उसको पहना दें, प्रोटेक्शन जो ड्रेसेस होते हैं वो भी आप उनको पहना दें तो भी शायद ना बच पाएं, क्योंकि ये इतने माइनर पार्टिकल्स हैं कि वो कहीं ना कहीं, हाँ लेकिन बचाव इसका तभी मुमकिन है जब आप ओपन एयर हो। तो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर हर चीज़ को जो है ना ओपन एयर के साथ खोला जाता है, कि अगर आपकी स्कूल क्लासेस भी हैं ओपन एयर हो, कोई अगर कहीं पे गैदरिंग हो रही है तो लिमिटेड गैदरिंग हो ओपन एयर हो, रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे हैं ओपन एयर हो, इवन जिम्स भी जो हैं अब वो भी जो हैं अब बॉडी बिल्डिंग जिम या फिटनेस सेंटर्स उनको भी ओपन एयर किया गया है। तो इसी वजह से किया गया है कि ये जब आप ओपन एयर में होंगे तो वो वायरस जो है दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होने के बजाय वो ये होगा कि आपके अगर किसी बंदे के अंदर से निकल भी रहा है तो वो पहले दूसरे बंदे को इफेक्ट नहीं करेगा। ओपन एयर होने की वजह से ये होगा कि वो आसमान की तरफ जाएगा। तो अब जब उसको खुली जगह नहीं मिलेगी, आप किसी ऐसी बंद जगह पर मौजूद हैं, अभी तो खैर गर्मी का सीज़न नहीं है लेकिन जब लोग एयर कंडीशन खोलेंगे तो वेंटिलेशन के लिए आप बंद रूम में एयर कंडीशन तो लाजमी करेंगे, तो वहाँ पर ये वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसलिए ये बेहद ख़तरनाक वायरस है। तो मतलब ये इतना ही ख़तरनाक है जितना कोरोना वायरस था? कोरोना से आप समझ लें कि कोरोना जानलेवा था, जानलेवा है, ये कोरोना का ही एक वेरियंट है, यानी इसकी पाँचवीं शेप है, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम में ये भी डिस्कस किया था कि कोरोना के बाद फिर इसके अल्फ़ा बीटा और फिर डेल्टा तक ये गया, डेल्टा ने कितनी तबाही मचाई। तो ये डेल्टा का भी बाप है, तो डेल्टा ने अगर समझे इंडिया के लाखों अफराद को खा गया, मार दिया उसने, तो ये ओमिक्रोन से बढ़ के चीज़ है। इसलिए बढ़ के चीज़ है क्योंकि ओमिक्रोन की जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि कोई भी इंसान जैसे ना नज़ला होगा, ना खांसी होगी, ना बुखार होगा, बट वो ओमिक्रोन का शिकार होगा, उसकी अचानक सांस रुकेगी और वो मर जाएगा। यानी चलते चलते इंसान ज़मीन पे गिर जाएगा और इंसान सोएगा तो उठ नहीं पाएगा। ये इसकी एक्सट्रीम लेवल्स हैं जो अभी तक ओमिक्रोन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस लेवल तक नहीं पहुँचा, इवन यूके में भी नहीं पहुँचा, लेकिन यूके के अंदर ये अभी रिसर्च हो रही है और जितने लोग सबसे ज़्यादा बरतानिया में इसका शिकार हो रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी लोग अब इसका शिकार हो रहे हैं। इंडिया के तकरीबन 20 पार्लियामेंटेरियंस इसका शिकार हो गए। 20 पार्लियामेंटेरियंस का मतलब ये है कि लोकसभा उनकी अखलाती असम्बली, तो पूरी असम्बली उनकी इफेक्टेड हो चुकी है। अब एक असम्बली का जो रुकन होता है वो एक जो पॉलिटिशन है वो अपने हल्के में भी जाता है, उसका सियासी दफ्तर भी होता है, 10,000 लोगों से मिलता है, कितने लोगों को फैला रहा होगा। तो होगा यही इसका अंजाम कि इंडिया के अंदर जो है ना ये बड़ा इफेक्ट दिखाएगा, अगेन लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मरेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये बड़ी सिचुएशन कंट्रोल है और लोग इफेक्ट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन डेथ केसेस अभी उस तरह नहीं बढ़े। लेकिन कोई भी नहीं कह सकता इसमें कि ये एकदम से जो है ना ओमिक्रोन अपने उस स्टेज पे आ जाए कि वो लंग्स को इतना इफेक्ट कर दे कि सांस लेना मुहाल हो जाए, फिर ऑक्सीजन के जरिए भी सांस नहीं आ पाएगी। जिस तरह पिछली बार एक्सपो सेंटर पर आइसोलेशन वार्ड बने थे तो इस बार जो है वो दोबारा मतलब उस तरह से, लेकिन इससे फिर डॉक्टर्स वगैरह किस तरह से आप जैसे बता रहे हैं कि वो पूरी कवर भी कर लें अपने आप को, तो वो इस चीज़ से बच बिल्कुल नहीं सकते। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, इसको भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा तो इस वक्त जो मुश्किल में आ गए ना वो डॉक्टर्स ही आ गए, पैरामेडिकल स्टाफ आ गया है, हॉस्पिटल स्टाफ आ गया है, कि वो अपने आप को मतलब मैं ही समझता हूँ कि अब जो उनके लिए SOPs बनेंगी वही बनेंगी कि वो अगर हॉस्पिटल जा रहा है या ऐसे वार्ड में जा रहा है तो वो हफ्ता 10 दिन वहीं रहे, बेशक वो अपने PPT सूट पहने जो भी करे, क्योंकि वो किसी भी तरह ना हो नहीं सकता कि वो खुद बच जाए या वो अपने साथ लेकर ना निकले वहाँ से। तो अभी ये है एक्सपो सेंटर के अंदर वो वार्ड या वो जो आइसोलेशन सेंटर है वो फाल है, लेकिन उसको ज़रा उसकी कैपेसिटी कम कर दी गई थी। तो कराची के एक्सपो सेंटर में अभी बुक की मतलब किताबों की नुमाइश भी लगी है, 4 रोज़ या 5 रोज़ नुमाइश थी। तो अब मेरा ख्याल है कि वो जो हॉल फ्री थे वो दोबारा बुक हो जाएंगे अगर लोग बढ़ गए, क्योंकि आइसोलेशन सेंटर में फिर उनको भी तादाद ज़्यादा रखनी पड़ेगी वहाँ पे पेशेंट्स की, और दूसरा मसला ये होगा कि फिर आप वहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो मेजर चीज़ है डॉक्टर्स के हवाले से, जो दीगर हॉस्पिटल्स के वार्ड्स हैं या दीगर जगहें, तो वहाँ पे डॉक्टर्स बड़ी परेशानी में आने वाले हैं। तो इसका हेल्थ सॉल्यूशन ने तो पहले से एक दिया हुआ प्लेटफॉर्म, लेकिन इसके अंदर जो है अभी तक NCOC या जो मुतालिक इदारे या हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोई भी इसका ये हल नहीं सोच रहा। जब ये उस मसले में आ जाएंगे तो शायद तब सोचें, लेकिन डॉक्टर्स फिलहाल डरे हुए हैं।
लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ कि ओमिक्रॉन अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचा, लेकिन अगर पहुँचता है तो फिर ये सारी चीज़ें एक साथ डिस्टर्ब होंगी। फिर गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर्स को या एनसीओसी को, किसी को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो ये सोच के फैसला कर सके कि अब हमें ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, या अब हमें इधर जाना है, या अब हमें ये एसओपी बनानी है। ये एक साथ होंगी फिर चीज़ें, डॉक्टर भी इफेक्ट हो रहे होंगे, आपका हेल्थ सिस्टम भी बिगड़ेगा, आपके पास रश भी बढ़ जाएगा, जगहें कम पड़ जाएंगी, लोग मरना भी शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो जाएगी, वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, ये एक साथ एकदम पीक पे जाएगा। तो उस तब इतनी अलार्मिंग और इतनी अंधोनाक और भयानक सिचुएशन बने, उससे पहले अगर ये सोच लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट, एनसीओसी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, वो हमेशा आसान रास्ते पे जाते हैं और वो यही कहते हैं जी लॉकडाउन वाली जगह पे जाएं, और मतलब लॉकडाउन करें इसको, फैसला वही कहते हैं कि आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, लोगों को कैदो बंद करें। अब लोग भी ये नहीं करना चाहते, तो ये एक बड़ी सिचुएशन, मतलब समझे रिस्की पोजिशन है अगले 50-60 दिन। जैसे कि आपने बताया गुलशन, तो इससे दूसरे इलाके भी मुतासर हो रहे हैं। हाँ, दूसरे इलाके भी, लाजमी सी बात है कि गुलशन सबसे ज़्यादा केसेस आए, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि ये तो वो है ना जो रिकॉर्ड पे आ गए, हो सकता है डिफेंस भी हो सकता है पीसीएचएस के इलाके हों, तो इन इलाकों में से पता कैसे चलता है, मतलब इसका टेस्ट करवाना पड़ता है। बिल्कुल आसान तरीका होता है कि जब ये टेस्ट कराते हैं और उसमें अगर उनका पॉजिटिव आ जाता है तो अब कोविड तो नहीं कहलाता, वो ओमिक्रॉन कहलाता है रिपोर्ट्स में, तो वो देखा जाता है किस इलाके से ये लोग आए, तो वहाँ से पता लगता है जी इनका एड्रेस उधर का है। तो जब वो पूरी तादाद होती है, क्योंकि ये सारा डेटा जा रहा है एनसीओसी के पास, मेजॉरिटी ऑफ एरियाज जो हैं वो गुलशन के आए, तो इसलिए आप गुलशन जौहर के भी कुछ इलाके आए। लेकिन आपको मैं बताऊँ, जो ऐसे इलाके हैं ना, हम सोचते हैं कि औरंगी टाउन, कोरंगी, जहाँ पे कच्ची आबादियाँ भी हैं, ये सवाल आता होगा ना लोगों के जहनों में कि यार वहाँ तो केसेस नहीं आ रहे, तो मैं आपको बड़ा वसूख के साथ कह रहा हूँ वहाँ लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे। देखिए ना, सेंसेबल लोग जिधर हैं वो टेस्ट तो करा रहे हैं कम अज़ कम, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो कह रही है कि क्या होता है, फ्लू हो गया है, तो हर सर्दी में होता है, बुखार हो गया, उसको ये नहीं पता कि आपको बुखार हुआ, फ्लू हुआ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ, आप उस वायरस का शिकार हो चुके हैं जब तक आपने टेस्ट नहीं कराया। टेस्ट कराएंगे तो तस्दीक होगी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो तस्दीक हो गई कि आप हैं, अब आप नहीं मरे। मिसाल के तौर पर आप बड़े जानदार थे, आपने कहा मुझे तो नॉर्मल फ्लू हुआ, ठीक है, और मैं ठीक हो गया, लेकिन आपने कितने लोगों को लगा दिया, और अगर आपने 10 लोगों को लगा दिया, 10 में से 8 बच गए और 2 मर गए, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओमिक्रॉन का। जैसे कि अभी बूस्टर डोज लग रहे हैं ओमिक्रॉन के लिए, और बच्चों को भी वैक्सीन का कहा गया है 12 से 15 साल की एज के, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा कि देखिए बच्चों के लिए तो अभी ज़रूरी हो गया, क्योंकि रिसर्च में भी ये बात वाजे हो गई कि कोविड ने बच्चों को इफेक्ट करना ठीक ठाक तरीके से शुरू कर दिया। दूसरे इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि बूस्टर डोजेस वो बहुत लाजमी हो गई हैं, लोग अब ये सोचना छोड़ दें कि उन्होंने पहले लगवाई हैं कि नहीं लगवाई, फिलहाल उन्हें बूस्टर की तरफ जाना पड़ेगा। बूस्टर की तरफ इसलिए भी जाना पड़ेगा क्योंकि अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें ओमिक्रॉन से बचना है, तो कोई और रास्ता आपके और हमारे पास ओमिक्रॉन से बचने का है नहीं सिवाय बूस्टर डोजेस के, और ख़ुद को सेफ रखने के, आइसोलेशन में रखने के। लेकिन अगर आप देखें ना कि बूस्टर लगवाने के बाद भी कोई नहीं सेफ होता, तो कोई भी ये नहीं समझे कि गारंटीड काम हो रहा है। हाँ, लोग ये ज़रूर सोचें कि अगर चांसेस 100% है ओमिक्रॉन के, तो बूस्टर के बाद वो 50% हो जाएंगे, और कुव्वत मुदाफ़ियत आपने अपनी अच्छी रखनी है। अब बूस्टर डोजेस का भी जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जो इस वक्त ओमिक्रॉन की पोजिशन है कि आप कहीं जा के ना लगवाएं, आप अपने घर पर रहते हुए लगवाएं, तो आप सेफ एंड साउंड तरीके से काम करवा लेंगे। उसमें हेल्थ सॉल्यूशन ऐप आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ऐप पे जाके आप बुकिंग करा सकते हैं, नुमाइंदा हेल्थ सॉल्यूशन का आपके पास पहुंचेगा और वो आपको घर पे ही बूस्टर लगा के चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, आपको ओमिक्रॉन के बारे में और उससे बचाव के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।